हाँ इतना जरूर करूंगा कि मुफ्त व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी नहीं, पहचान है हमारे शहर उसको बनाए रखे। हमारे फिरोजाबाद में कोई एंट्री गेट नहीं है। जी जी जी। तो अगर हम उस एंट्री गेट को चूड़ी नुमा बना दें, आप देखेंगे कि उसमें हर बार लगभग 45-55% काम मुस्लिम आबादी में हुए है। कि अब जो महापौर बने उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो पहली क्वालिटी अगर कोई होनी चाहिए तो रात को 1:30 बजे भी महापौर जनता के लिए जगता होना। बिल्कुल कुछ कार्य ऐसे शहर में रह गए हैं जो इन 5 वर्षों में हम लोग पूरे नहीं कर पाए। कई सारे विकास कार्य जो शहर की जनता के लिए आवश्यक थे वो केवल राजनीति की भेंट चढ़ गए। जब नगर निगम अपने आप को स्मार्ट बनाएगा तभी तो पूरे शहर को स्मार्ट बनाएगा। और वही टेंडर जो अधिकारी अपनी जुगाड़ से 50 लाख रुपए में सफाई करा रहे थे वो 11 लाख रुपए में उसी डालेगी सफाई हुई। अभी भी शहर के बहुत सारे लोग टैक्स देने से बचते हैं और सुबह ये चाहते हैं कि मेरे घर का कूड़ा नगर निगम का कर्मचारी ले, मेरी नाली भी साफ हो, मेरे घर की आगे सफाई भी रहे।